Hello student, this is Abha Kumari. Today I am going to tell you permutation. Permutation means arrangement. In this video we will discuss a question from permutation for class 11 exercise 7.1. And the first question is, how many 3-digit number can be formed from the digits 1, 2, 3, 4 and 5, assuming that repetition of the digit is allowed. How many 3-digit number? यहाँ पे हम लोगों को 3-digit number बनाना है. From the digit 1, 2, 3, 4, 5 का digit, इसी digit को use करके हमें 3-digit number form करना है. तो हम लोग इसमें block diagram से समझते हैं. Fundamental principle इन ब्लॉक डायग्राम का यूज़ करेंगे हम लोग. तो सबसे पहले हम लोग एक 3-digit नंबर बनाना है. तो सबसे पहले 3 ब्लॉक फॉर्म करेंगे, ठीक है. इसके बाद रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज़ अलाउड. इसका मतलब है कि आप रिपीट कर सकते हो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 में से आप सारे नंबर को रिपीट कर सकते हो. तो ये बॉक्स फील करने का आपके पास 5 ways है. 5 तरीके से आप इसमें फील कर सकते हो. मीन्स 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी नंबर आप इसमें लिख सकते हो. अगर आपने 1 लिख दिया तो आप रिपीटेशन इज़ अलाउड का मतलब है आप रिपीट कर सकते हो, 1 को फिर से लिख सकते हो. तो यहाँ पे भी आप सेकंड ब्लॉक में भी हमारे पास 5 ways है फील करने का, और थर्ड ब्लॉक में भी 5 ways है हमारे पास फील करने का. तो जो आंसर हो जाएगा ना, ये जो क्वेश्चन है हमें तीनों नंबर, 3 बॉक्स है, तीनों में फील करना है. तो ये प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड है. प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है कि आपको सारे नंबर को मल्टीप्लाई करना है. मीन्स 5 × 5 × 5, सो इट इज़ 125. सो इट इज़ 125. सो हमारा आंसर हो जाएगा 125. ओके, तो आप लोग इसको लिखने भी सीख सकते हो कि हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं. लिखने में हम इस तरीके से लिखेंगे कि द यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय एनी वन ऑफ द डिजिट्स 1, 2, 3, 4 एंड 5. आप यूनिट प्लेस को किसी भी नंबर से लिख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5 में. एंड देयर फॉर द यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 ways. तो जो हमारे पास 3 ब्लॉक था ना, उसमें यूनिट प्लेस पे हम 5 ways में फिल कर सकते हैं. उसी तरीके से द 10th place and 100th place कैन बी फील्ड इन 5 ways ईच बिकॉज रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स आर अलाउड. क्योंकि हमारे पास रिपीटेशन ऑफ द डिजिट क्या है, अलाउ किया गया है. देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ 3-digit number, देयरफॉर जो हमारे पास टोटल नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, 125. सो हमारा 125 आंसर आ जाएगा. आप ब्लॉक डायग्राम का यूज़ करके आप अगर डायरेक्ट आंसर बनाना चाहते हो वैसे भी बना सकते हो, लेकिन आपको एग्ज़ाम में बनाने के लिए आपको इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है. तो इस तरीके से हम इसका लिख सकते हैं. अब सेम क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3-digit number कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5 एज्यूमिंग दैट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज़ नॉट अलाउड. अब हमारे पास जो क्वेश्चन है ना, उसमें रिपीटेशन जो है वो अलाउ नहीं है. मीन्स आपको फिर से 3 ब्लॉक बनाना पड़ेगा, ठीक है. और रिपीटेशन अलाउ नहीं है, इसका मतलब आप जैसे कि अगर आप 1 एक बार लिख दिए तो उसके बाद उसको नहीं लिखेंगे. तो जो हमारे पास फर्स्ट बॉक्स, आप 1th place से स्टार्ट करोगे तो अच्छा रहेगा. 1th place पे हम 5 digits में से कोई भी डिजिट लिख सकते हैं. मीन्स 5 ways है हमारे पास फील करने के लिए. और 10th place पे हमारे पास कितना वेज है, अगर हम 1th place पे कोई भी नंबर लिख दिए 1, 2, 3, 4, 5 में से, अगर मान लो हमने 5 चूज़ करके लिख दिया या 4 चूज़ करके लिख दिया, तो हमारे पास और रिमेनिंग नंबर 4 बचेगा. तो हम यहाँ पे 4 ways है हमारे पास यहाँ इस नंबर को फील करने के लिए, इस ब्लॉक को फील करने के लिए, ठीक है. और यहाँ पे जो लास्ट में बचा वो हमारे पास 3 ways है. सो हम लोग यहाँ पे भी प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे और हम तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे. सो 3 × 4 × 5, सो आंसर इज 5 × 4 = 20 × 3 = 60. तो आपका आंसर हो जाएगा 60. आइए इसको भी देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको लिखेंगे.
हमें क्योंकि एग्ज़ाम में लिखना होगा। आप डायरेक्ट आंसर बना सकते हो लेकिन आपको लिखने भी सीखना होगा। तो यहाँ पे जो मैं बोली हूँ बस सेम वही आपका यहाँ पे लिखना भी है कि द यूनिट दिस प्लेस कैन बी फील्ड बाई एनी वन ऑफ द डिजिट 1, 2, 3, 4, 5 में से। अब यूनिट्स प्लेस में जो हमारे पास ब्लॉक था, तीन ब्लॉक था, यूनिट प्लेस मीन्स वंस प्लेस, वंस प्लेस में आप 1, 2, 3, 4, 5 में से कोई भी नंबर फील कर सकते हो। सो देयर इज 5 वेज, हेंस 4 डिजिट लेफ्ट, सो द टेंस प्लेस कैन बी फील्ड इन 4 वेज एंड द 100 प्लेस, दिस इज यहाँ पे 4 वेज है, यहाँ पे 5 वेज हम लोग हो गया, तो 100 प्लेस कैन बी फील्ड इन 3 वेज बाय द रिमेनिंग 3 डिजिट। जो 3 डिजिट बच रहा है उसमें से हम कोई भी डिजिट लिख सकते हैं बिकॉज रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स आर नॉट अलाउड। रिपीटेशन जो है ना हमारे, हमें रिपीटेशन अलाउ नहीं है। सो जो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट्स कितना हो जाएगा अरेंजमेंट, 5 × 4 × 3, सो द आंसर इज 60। ओके, आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपको नहीं क्लियर हुआ तो आप मेरी वीडियो को एक बार फिर से देखो, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग।